निकासी शुरू हो गई है। निकासी की बोल रहा हूँ मैं। अच्छा निकासी की। अच्छा अच्छा हाँ। निकासी क्या रेट की हो रही है अभी कोल्ड? 2651 रुपए की हुई है। 2651 कोल्ड से निकासी हुई है? 2651 की। सुनी हुई बात है क्या? नहीं देखी हुई बात है। आप लोग सर्च कर सकते हो उसे। कौन से कोल्ड है? सर्जरी में जाके देखूंगा। राधा रानी कोल्ड स्टोर कहाँ पे पड़ेगा जी? दमेना रोड पे। धमेना रोड पर राधा रानी से। साथियों अभी मैं धमेना रोड पर राधा रानी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में ओनर हैं राहुल गुप्ता जी। गुप्ता जी बात करूँ तो अभी आपके यहाँ से ये लोडिंग चल रही है। एक चीज और, कुछ किसानों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब राधा रानी में बहुत ऊपर तक के सौदे हैं, तो 2300 तो आप बता रहे हो हल्की क्वालिटी आपके यहाँ 2300 की जा रही है। कितने ऊपर तक के मानूं सौदे में? मैं अभी बांस महुआ में हूँ और मेरे साथ में सोनू भाई हैं। भैया करीब ये आपने जो डंप लगवाया है कितना डंप होगा ये आलू आपका? 3000। 3000 पैकेट का। और डंप के अलावा कोल्ड वोल्ड भी पहुँचाया है कुछ? कोल्ड पहुँचाया। ये डंप का सौदा वौदा कर दिया कि अभी करोगे? कर दिया। किस रेट का? 22.5 का नंगा। नंगा मतलब एक तो डाला बंद होता है एक नंगा, तो ये 22.5 का नंगा है। आपको कुछ नहीं देना? कुछ नहीं देना, चटाई तो कुछ भी नहीं देना, कुछ नहीं है ये सब नहीं। आलू आलू हमारा वो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा किसमें भरवाया, कितना भरवाया का वो उसकी प्रॉब्लम है। तो मतलब इसमें जो मोटा मोटा था 22.5 का आपका हो गया। हाँ। और ये किर्री गुल्ला निकलेगा ये तो खुल जाएगा आप लोगों। अच्छा मोटा मोटा जितना निकलेगा वो 22.5 में, बाकी किर्री गुल्ला निकलेगा आप उसको कोल्ड पहुँचा दोगे? हम कोल्ड जाएंगे। तो गुल्ला तो बीज के लिए रखोगे, बाद में निकाल भी दोगे? बीज के लिए रखेंगे, जैसे अगर मिलता है हम लोगों को भाव अच्छा तो निकाल भी देंगे। तो 22.5 का बढ़िया भाव है। अच्छा है, कोल्ड के हिसाब से देखें तो करीब 24 के आसपास पड़ेगा। 22.5 24 के समथिंग, 24-25 के समथिंग पड़ेगा। और 400 का खर्चा आता है कम से कम कोल्ड का। अच्छा तो कोल्ड मतलब 2600-2700 बिके तब जाके जो भाव पड़ेगा और उसमें सूख भी जाती है। सूख जाती है तो ये अभी उम्मीद तो है नहीं इतने भाव की कोल्ड की। अब ये तो भगवान जाने उम्मीद है या नहीं। अच्छा कोल्ड आपके शमशाबाद में खुल भी गए कुछ? हाँ खुल गए हैं, एक तो यही खुला है यहाँ जो पड़ता था मैंने रोड पे। नहीं निकासी शुरू हो गई है। निकासी की तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा निकासी की। अच्छा अच्छा हाँ। निकासी क्या रेट की हो रही है अभी कोल्ड? 2651 रुपए की हुई है। 2651 कोल्ड से निकासी हुई है? 2651 की। सुनी हुई बात है क्या? नहीं देखी हुई बात है। आप लोग सर्च कर सकते हो उसे। कौन से कोल्ड है? सर्जरी में जाके देखूंगा। राधा रानी कोल्ड स्टोर कहाँ पे पड़ेगा जी? दमेना रोड पे। दमेना रोड पे राधा रानी से। 2651 की है निकासी। चलो साथियों अभी मैं दमेना रोड पर राधा रानी कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में ओनर हैं राहुल गुप्ता जी। गुप्ता जी बात करूँ तो अभी आपके यहाँ से ये लोडिंग चल रही है तो निकासी कब से शुरू करा दी है? निकासी हो गई वही 1 तारीख से शुरू। 1 अप्रैल से? 1 अप्रैल से। और कोल्ड बंद कब करा दिया था इस बार? ये पहला सीजन ऐसा है कि निकासी भी चालू है और भराई भी चालू है। अच्छा भराई आ रही है अभी। है। वैसे खुदाई तो कंप्लीट हो गई होगी? 5-4% मर रह गए। 2-3 दिन की मुश्किल बस। कैपेसिटी कितनी है कोल्ड की आपकी? 2.5 लाख। 2.5 लाख की। कितना कंप्लीट हो गया? 2.25 लाख। 2.25 लाख। निकासी किस रेट की हो रही है अभी? निकासी भाई साहब शुरुआत थोड़ा हल्का माल है वो 2300 रुपए। 2300 रुपए बढ़िया माल, जैसा माल वैसे रेट पे, मतलब 2300 से ऊपर ही है बिल्कुल। अभी करीब कितनी निकासी हो गई होगी? अभी क्या है, तीसरी गाड़ी लग रही है आज। तीसरी गाड़ी। एक चीज और, कुछ किसानों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब राधा रानी में बहुत ऊपर तक के सौदे हैं, तो 2300 तो आप बता रहे हो हल्की क्वालिटी आपके यहाँ 2300 की जा रही है। कितने ऊपर तक के मानू सौदे में? या ऊपर नहीं करना चाह रहे अभी? नहीं नहीं, डब्बा बंद रखना चाह रहे? ये चीज नहीं, खोलने वाली चीज नहीं है। अच्छा तो किसानों की बात सही मानू है? अब इस चीज पे अभी कमेंट नहीं कर सकता। कुल मिला के 2300 से ऊपर के सौदे हैं? हाँ 2300 से ऊपर के सौदे हैं। सौदे हैं। शमशाबाद में करीब कितने कोल्डों से निकासी शुरू हो गई है? ज्यादा नहीं है, एक अपने यहाँ से 3 गाड़ी लग गए और 2-3 सौदे आज हमारे दूसरे कोल्ड पे भी हो गए। अच्छा
दो तीन कोल्डों से निकासी शुरू हुई है, ज्यादा नहीं हुई। दूसरे कोल्ड से आपके यहाँ किस तरह के सौदे हुए हैं? वहाँ पे आज सौदे हुए साढ़े 2300 रुपए के। 2300 रुपए का। कौन सा दूसरा कोल्ड है आपका? जय महाराज जी। जय महाराज जी। जय महाराज जी 2300 रुपए के सौदे हुए। सारे सारे साथी हुए सौदे जो है क्विंटल के सौदे हैं, समसावा क्षेत्र में 105 केजी के हिसाब से सौदे होते हैं। डंप की क्या स्थिति है इस वर्ष? डंप की रेट भाई साहब कल 2181 रुपए में डंप के माल बिके हैं। 2122 रुपए। कितना होगा डंप इस बार क्षेत्र में? बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, हर साल से बहुत कम है, आधा है माल, आधा माल। कब तक चल जाएंगे डंप समसावाद के? अब जिस तरह का मौसम है मुझे नहीं लगता 3-4 दिन और कटेंगे। अच्छा, मौसम में गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है डंप रुकेगा नहीं। किसान उम्मीद लगा रहा है कि कोल्ड से उसे 2500 के पैसे मिल जाएं या उससे ऊपर मिल जाएं, परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं कि आने वाले जल्दी दिनों में इतने पैसे किसानों को कोल्ड से मिलेंगे? अरे इच्छा है किसान को अच्छे से अच्छा पैसा मिले। अच्छा, किसान घुश तो कोल्ड मालिक भी घुस, पूरा हिंदुस्तान घुस। अभी आप रेट पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं। तो साथियों ये श्री समसावाद से है, राधा रानी से जो ओनर है उन्होंने बताया कि 2300 रुपए उनके यहाँ हल्की क्वालिटी का आलू निकला है और इससे ऊपर के भी सौदे हैं, वो इससे ऊपर के सौदों को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं जो भी रीजन है वो। और 2350 का इनके यहाँ पे आज 4 तारीख में जय महाराज जी इनका दूसरा कोल्ड है, वहां से 2350 रुपए के सौदे हुए। पिछली बार भी मैंने आपको पिछले सीजन पे भी जय महाराज जी से जो हाईएस्ट सौदा था शुरुआत में 1400 रुपए का, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि 1400 रुपए का जय महाराज जी से सौदा हुआ था।